Good morning, all students. Welcome to JK Academics class 7. Exercise 3.1. Okay. Question number 3 का first term निकल complete कर लिया था. ये B वाला है. 15.06 plus 13.912 plus 9.16 minus 60.006. इसको हमें सॉल्व करना है. तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो पॉजिटिव वैल्यूज होती है उनको एक तरफ ऐड कर लेते हैं, जो नेगेटिव वैल्यू होती है उनको एक तरफ ऐड कर लेते हैं और फिर उन दोनों के मध्य डिफरेंस देख लेते हैं. तो ठीक है, पहले हम देखते हैं पॉजिटिव वैल्यूज. तो ये वाली वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है क्या? जिस वैल्यूज के सामने कोई भी साइन न होता है ना, कोई भी साइन होता है उसी की वैल्यू होती है. ठीक है, जैसे इसके सामने पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसके सामने नेगेटिव है साइन तो ये नेगेटिव वैल्यूज है. बट ये है 15.06, तो इसके सामने कोई भी साइन नहीं है तो इसका मीन्स होता है ये पॉजिटिव वैल्यू होती है. किसी भी नंबर को हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट में उसका कोई भी साइन शो नहीं करते, अगर पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो साइन शो होगा. ठीक है, तो हम पहले ऐड कर देते हैं 15.06, फिर 13.912, फिर 9.16. ठीक है, इसको लाइक कैसे कर बना लिया, यहाँ जीरो लगा दिया और यहाँ जीरो लगा दिया, लाइक कैसे हो गया. अब ऐड कर दो इनको, कितना हो रहा है, 0 2 2 2 और 0 2. ठीक है, 6 और 6 12 12 और 1 13, 9 और 1 10 10 और 1 11 11 1 1, यहाँ कैरी 9 और 1 10 10 और 3 13, ये दो, ये कैरी 5 और 1 6 6 और 1 7, कितना है हमारा 73.132. ठीक है, माइनस की वैल्यू तो यही है, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, इन तीनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 73.132 माइनस 60.006. अब इनमें डिफरेंस देखते हैं, 73.132 माइनस 60.006, 2 में से 6 नहीं जा रहा, बोर हो रही है, 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ कितना गया 2, 2 में से 0 गया तो 2, 1 में से 0 गया तो 1, 3 में से 0 गया तो 3, 7 में से 6 गया तो 1, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 13.126. क्या आंसर आएगा 13.126. ओके ओके, रिवाइज करते हैं, 15.06 प्लस 13.912 प्लस 9.16 माइनस 60.006, इसको सॉल्व करना है. तो जो सेम साइन की जो वैल्यूज है उनको एक जगह ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो सेम साइन प्लस प्लस प्लस, तो तीनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया. ठीक है, ये एडिशन पर हमारा जो रिजल्ट आया वो ये है 73.132. फिर हमारी माइनस की वैल्यू ओनली ये 1 है 60.006. ठीक है, इन दोनों के मध्य हमने डिफरेंस देखा तो हमारे पास डिफरेंस कितना आया 13.126. तो 73.132 में से हमने 60.006 को निकाला तो हमारे पास वैल्यू जो आई वो है 13.126 और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं थर्ड का. सी, थर्ड का सी है हमारे पास वैल्यू देखिए 50.178 माइनस 14.6382 माइनस 19.416 प्लस 30. तो सॉल्व करें,
की जो वैल्यूज है उनको एक जगह ऐड करना है। 50.178 ऐड 30. इसको लाइक डेसिमल के लिए 000 ऐड करेंगे, ठीक है। ये दोनों माइनस की है, इनको भी यहाँ हम ऐड माइनस करेंगे तो वैल्यूज क्या आएगी हमारे पास, 0 तो नहीं हो रहा तो 10 बोल रहे हैं, 10 10 माइनस 2 8, ओके। यहाँ 7 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 5 2 1 माइनस 0 1 0.5 माइनस 4 1 4 माइनus 3 1, तो हमारे पास जो वैल्यूज आई वो कितनी आई, 11.1238, ठीक है। तो क्या करना है, जो सेम साइन की जो वैल्यूज है उनको ऐड करना है। ये माइनस माइनस की माइनस माइनस को यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ पॉजिटिव में बाहर माइनस रख लिया, दोनों को अंदर ऐड कर दिया, तो ऐड करने पे 34.0542 आ गया। और इन दोनों को ऐड करने पर मेरे पास क्या है, 45.17। दोनों में से माइनस किया तो माइनस के जो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो रहा 11.1238, ये मेरा क्या हुआ आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं इसका नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डी वाला, 10.067 माइनस 3.783 प्लस 8.3054 माइनस 9.618। हमें क्या करना है, जो सेम साइन की जो वैल्यूज है उनको एक तरफ ऐड करना है, ठीक है। ये सेम प्लस की है, ये माइनस की, ये प्लस की, तो यहाँ लिख दिया मैंने प्लस की 3054, वो माइनस की लाइक डेसिमल बना दिया। माइनस की वैल्यू को यहाँ कर देता हूँ मैं 3.783 9.618, इन दोनों को ऐड किया तो
8:03 11 1 8:02 10 1 7:06 4 1 14 1 9:01 10 10:03 30.401 ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया 4 0 4 4 7 5 12 1 6 1 7 3 0 3 पॉइंट कितना हो गया 18। ओके तो इसको सॉल्व करेंगे 10.067 प्लस 8.3054 माइनस 3.783 प्लस 9.618 ठीक है, इन दोनों का एडिशन ये रहा, इन दोनों का एडिशन ये रहा, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 18.3724 माइनस उसके लिए 13.401। अब इसमें से 13.0401 ये हम इसमें से माइनस करें देते हैं, तो 4 में से 0 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, 7 में से 0 गया तो 7, 3 में से 4 नहीं जा रहा तो 1 4 लेंगे तो 13, 13 माइनस 4 तो कितना आएगा 9, तो यहाँ कितना है 7, 7 माइनस 3 4 और यहाँ 1 माइनस 1 0, मेरे पास जो आंसर आया वो कितना आया 0.971 और आंसर। कुछ ही नहीं करना, दोनों जो सेम सेम साइन की जो वैल्यूज है उनको एक तरफ रखना है और जो सेम माइनस प्लस प्लस की है एक तरफ, माइनस माइनस की है उनको एक तरफ, ठीक है, और उनको एडिशन करके फिर दोनों के मध्य डिफरेंस डिफरेंशियल है वो निकालेंगे, वो डिफरेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।